नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निगो सिंह परिहार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल निकुंज मोटिवेशन स्टोरी। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल में दी जाने वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अभी चल रही महामारी कोविड-19 के दौरान अचानक से पेशेंट बढ़ गए हैं, इसकी वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें, ऑक्सीजन पानी और हवा दोनों में होती है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी होती है। अस्पताल में उन्हें सिलेंडर के द्वारा दिया जाता है। ऑक्सीजन के लिए विशेष प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, हवा में 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है और 1% अन्य गैसेस होती है। दोस्तों, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन इंसान पानी में सांस नहीं ले सकता। एटमॉस्फेयर की एयर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेट करने के बाद उसे स्टोर कर लिया जाता है, और ऐसा करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप, एयर कंप्रेसर। एयर को कंपोज किया जाता है। स्क्रू कंप्रेसर की मदद से एयर को कंपोज कर लिया जाता है, एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। एयर कंप्रेस होने के बाद उसे एक रिसीवर टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, और रिसीवर टैंक में स्टोर होने के बाद उसे फिल्टर किया जाता है। स्टेप नंबर 3, एडसॉर्प्शन सेपरेशन। एडसॉर्प्शन सेपरेशन में एक खास तरह का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से एयर पास होता है तो नाइट्रोजन इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जो एयर पास होकर निकलती है वो ऑक्सीजन बचती है, उसे अलग रिसीवर टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इस रिसीवर टैंक में 93% से 95% ऑक्सीजन रहता है। उस ऑक्सीजन को बूस्टर किया जाता है और दूसरी सिलेंडर में फिल कर लिया जाता है। इसके बाद आप इसे इस ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बनती है ऑक्सीजन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।